हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार शिक्षकों के नियोजन का शेड्यूल फिर से एक बार चेंज कर दिया गया फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता होगा, बिहार में कोरोना वायरस के कारण 10 से 16 जुलाई तक फिर से एक बार लॉकडाउन लगा दिया गया फ्रेंड्स। इसी कारण से जो है बिहार शिक्षकों का नियोजन का शेड्यूल जो था वो फिर से चेंज कर दिया गया फ्रेंड्स। जैसा कि आप देखते हो यहाँ पे हिंदुस्तान पेपर में आज के न्यूज में दिया गया है, फिर बदला 30,000 शिक्षकों के नियोजन का शेड्यूल। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के बताने वाली हूँ कि क्या चेंजेस आए हैं फ्रेंड्स, कब से जो है ये डेट फिक्स हुआ है, कितना चेंज इसमें आया है फ्रेंड्स। तो सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको जो है अच्छे से समझ आ पाएगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर 30,020 पदों पर शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना संकट की वजह से यह शेड्यूल में तीसरी बार बदलाव आया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तीसरी बार, पहले अप्रैल, फिर जून, अब गुरुवार को नियोजन शेड्यूल को आगे बढ़ाया गया है। जी फ्रेंड्स, आप देखते हो यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा गुरुवार शाम जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य के सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अब 22 जुलाई से 25 जुलाई के बीच नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए अंतिम रूप से जो है 22 जुलाई से 25 जुलाई 22 से 25 जुलाई को जो है नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। जहाँ फ्रेंड, जैसा कि अब तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, और भी डिटेल्स मैं आपको बता दूं कि पटना डीएम समेत कई जिलों में कोरोना संकट की वजह से 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किए जाने की वजह से नियोजन कार्यक्रम में यह बदलाव हुआ है। जहाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना वायरस के कारण 10 से 16 जुलाई तक फिर से एक बार लॉकडाउन लगा दिया गया है, उसके कारण जो ये बदलाव आया है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हो, और भी जानकारी यहाँ पे मैं आपको दे दूँ कि जारी नियोजन कार्यक्रम के मुताबिक अनुमोदित मेधा सूची और रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिला के एनआईसी वेबसाइट पर प्रकाशन 17 जुलाई तक किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो है विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति जिला के एनआईसी वेबसाइट पर जो है 17 जुलाई तक जो है प्रकाशन कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देखते हो यहाँ बताया गया है कि जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के उपरांत नगर निकायों में 22 और 23 जुलाई को, जबकि जिला परिषद द्वारा 24 और 25 जुलाई को नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। जहाँ फिर आप देखते हो यहाँ पर बताया गया है कि काउंसलिंग के उपरांत जो है नगर निकायों में 22 और 23 जुलाई को, जबकि जिला परिषद द्वारा जो है आपको 24 और 25 जुलाई को नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। जहाँ फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे और भी जानकारी आपको मैं दे देना चाहती हूँ। इससे पहले 11 जून को जारी नियोजन शेड्यूल के मुताबिक 10 जुलाई तक एनआईसी के वेबसाइट पर मेधा सूची का प्रकाशन तथा 14 और 15 जुलाई को जो है नगर निगम द्वारा जो है प्रकाशन किया जाने वाला था। जी हाँ फ्रेंड्स, 11 जून को जो जारी किया गया था शेड्यूल, उसमें जो है 10 जुलाई तक एनआईसी की वेबसाइट पर मेधा सूची प्रकाशन होना था फ्रेंड्स, और 14 और 15 जुलाई को जो है क्रमशः नगर निकाय द्वारा जो है ये प्रकाशन होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जो है ये डेट बढ़ गया है फ्रेंड्स। अब आपका जो डेट यहाँ पे शेड्यूल बढ़ाया गया है वो 22, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 22 से 25 जुलाई के बीच जो है ये डेट बढ़ के हो चुका है, तो इस डेट में आपका जो है नियोजन पत्र बांटे जाएंगे 22 से 25 जुलाई के बीच में। जी हाँ, तो बहुत बड़ी अपडेट है शिक्षकों के बहाली के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी इस अपडेट के बारे में पता चल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।